वैलेंटाइन डे करीब है, उनका ध्यान इधर उधर होगा। देखो एक टिप्पणी करता हूं, ये वैलेंटाइन डे का सप्ताह है वो एक ही सप्ताह है बस, उसके बाद सप्ताह खत्म हो जाता है। लेकिन कुमार विश्वास जी ने बहुत जमीन अच्छी बनाई, आदि विवेक ठाकुर जी को विशेष बधाई कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई, फिर भी वो मुझे इज्जत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, सातवां अजूबा है। लेकिन एक अंतर अरविंद केजरीवाल जी और मेरे में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, महापौर साहब आपकी ताली बता रहे कि घर में आपकी भी हालत ठीक नहीं है, आइए आइए सर, कोई बात नहीं। क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठंड में आदमी कोट में अगर यूं हाथ डालता है तो हम समझते हैं ठंड नहीं होगी, कट्टा लेके घूम रहा होगा, डर लगता है ना भाई साहब सामने से आया ऐसे नमस्ते करते हुए। लेकिन छह लाइनों से इस महफिल को थोड़ी सी हिम्मत मांगता हूं, सांस मांगता हूं, दीजिएगा नौजवानों आज की ये ठंडक थोड़ी देर दूर रहे, ये आपकी काबिलियत रखेगी। दूध को दूध, बस आ रहा हूं पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, आखिरी पंक्ति में जो कान है, इन सबका ध्यान मिला करके इस मंच को सौंपिएगा कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। क्या बात, धन्यवाद यार, क्या तालियां दी हैं, मोहब्बतें दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक दो दो जानकारी धीरे धीरे दूंगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को। डॉक्टर साहब का गला खराब है, देखिए गला तीन प्रकार का होता है, अच्छा एक होता है गला, दूसरा होता है सड़ा गला, तीसरा होता है दो गला, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है, ठीक है ना। तो हमारे डॉक्टर साहब का आज गला जो है वो थोड़ा खराब है, इन डॉक्टर साहब खराब गले में भी जो जादू बिखेरेंगे, जिनकी श्रोता प्रधानमंत्री जी हो, गूगल जिनको अपने ऑफिस में बुलाता हो, अगर मुरादाबाद आए हैं तो हमको पता है कि हम तो टिकटॉक के चलते भी नहीं बुलाए जाते। हाँ अच्छा, अब ताली बजाना सिखाते हैं आपको, हम ब्राह्मण आदमी हैं, हम सब जानते कि कैसे ताली बजती है। देखिए हम भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की आदत होती है कि वह सत्यनारायण भगवान की कथा अगर दसवीं बार भी सुन रहा हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षर सुन नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना मेरी बिज्जत रह जाएगी, आपकी बिज्जत रह जाएगी। एक निवेदन करूं, देखो गुलाब का फूल देने वाला ऐसा रिसर्च है वो ज्यादा साथ नहीं दे पाता है जो गुलाब का फूल लेके आता है, धनिया की पत्ती लेके आने वाला जीवन भर साथ मिलाता है भाई साहब। अच्छा है, धनिया की तो आप समझना मैं जो कहना। और देखिए मैं तो दुनिया में, डॉक्टर साहब मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ भैया, अच्छा हाँ भैया, हटाओ हटाओ हाँ हटाओ हटाओ, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या है, पुलिस लोगों से निवेदन करता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश की पुलिस देखी है कि वो पत्रकार का आई कार्ड पहन करके इनकाउंटर कर देती है। हाँ तो आप लोग बुरा मत मानिएगा भाई साहब, समझिए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, अध्याय समाप्त हुआ। बहुत है दुनिया में, मेरा रिसर्च है साहब ये मेरा, कि हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, अच्छा। ये महिलाएं सर अच्छा बिल्कुल नहीं करती, दुख है मेरा ये। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी कटाते हैं, बाल कटाते हैं, कटा करके आते हैं, तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त किया, आनंद लीजिएगा, हमारे पास ज्ञान ही है सब, ये अपने अपने राम सुनाते हैं, हम अपने अपनी बीवी सुनाते हैं। डॉक्टर साहब का क्या जादू है, कथा में भी क्या बोलते हैं,
मतलब जब वो कथा के मंच पे होते हैं तो तुलसी के रूप में होते हैं, और जब वो मंच पर काव्य के रूप में होते हैं तो भी वो तुलसी के रूप में होते हैं। लेकिन क्या बात है, आप कैसे शक्ति को बुला गया। मैं तो धीरे धीरे शुरू होना चाहता हूँ, स्कूल का मामला है, बहुत अच्छा लग रहा आप लोगों। देखिए डॉक्टर साहब ने मुझे सिखाया बेटा युद्ध नहीं करना चाहिए, अभी पहले ही ज्ञान दिया युद्ध नहीं होना चाहिए, प्रेम से जियो, प्रेम से, युद्ध बिल्कुल नहीं करो, प्रेम करो, और युद्ध और प्रेम दोनों करना हो तो शादी करो। दिन में युद्ध होगा, बहुत अच्छे अध्याय समाप्त हुआ। हम लोग ये सोच रहे हैं कि दिन में तो घर बैठा रात में है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरा तलाक हो चुका है। आनंद लीजिएगा, बात क्या हो गया और डॉक्टर साहब, हाँ हाँ वाकई में तलाक हो गया, कहाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हो इस मामले में। माइक से अगर देखिए माइक पे दो ही लोग सच बोलते हैं, एक वकील और एक नेता, और उस पर जज भरोसा कर लेता है। हम ना सर, हमारे देश में क्या क्या नेता हुए। एक नेता जी भाषण दे रहे थे तो किसान पहुंच गए रैली में, अमूमन कार्यकर्ता कम जाते हैं, भीड़ ज्यादा जाती है वहां पर, सब सब जाता हूँ गए और पैर में मिट्टी दे करके नेताजी ने पूछा ये तुम्हारे पैरों में मिट्टी कैसे है, ओहो कैसे है मिट्टी। किसान ने बोला गुरुजी हम तो खेत में काम कर रहे थे, ये प्रधान जी आए बोले चलिए हमारे साहब आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी रैली में चलना है। अरे रे वाह वाह क्या आ गए हो तुम लोग यार, तुम हमें वोट दो हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। दूसरे नेता जी आए, एक आदमी को बुला के पूछा क्या तकलीफ है, बोले साहब हमारे गांव में शमशान नहीं है, बोले तुम हमें वोट दो, घर घर शमशान न बना दिया। लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं, हम अपनी कहानी सुनाएंगे क्योंकि विद्यार्थी हैं। अच्छा एक बात है, मुरादाबाद में कितने बजे तक आदमी आता है। बहुत अच्छा आ ही रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं। यही बात अस्पताल वाले कह रहे थे कि आ ही रहा। हाँ डॉक्टर साहब देखिए ना, मतलब इसी भीड़, हम डॉक्टर साहब के ही प्रोग्राम में इतनी भीड़ पाते हैं, दुनिया में इतनी कहीं भीड़ पाते नहीं। अरे लाइट वाला कौन है भाई, इसको तुम्हारा ये दुपट्टा देख के शक हो गया कि डांस भी करेगा क्या। नहीं, ये मेरा मूड बना रहा है। सही बता रहे हैं आपको लग रहा, लेकिन अच्छा है। देखिए भाई इसको सेट कर दीजिए, हाँ अच्छे से, एक आँख भी मार रहा है इसमें, धीरे धीरे ऐसा ऐसा कर रहा है। लेकिन आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जुनून पर आपको कुछ अच्छा सुना दूँ, बहुत अच्छा, क्योंकि अब महफिल तो डॉक्टर साहब ने, आप चाहते हैं मैं शुरू करूँ तो आप एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं आपको धीरे धीरे सुनाऊँ। हाँ आनंद कोई तनाव लेना नहीं, मैं जानता हूँ जो लोग चाहे हैं सब डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने आए हैं, ये हमको भ्रम नहीं है कि आप हमें सुनने आए हैं। लेकिन साहब एक बात जान लीजिए, अच्छा सीरियल देखने के लिए विज्ञापन और अच्छा सीरियल बनने के लिए विज्ञापन जरूरी। हाँ ये लाइट कहाँ से जली है, हाँ पता नहीं चल रहा ना कौन कितना सुंदर है, इतना अंधेरा है यार। हाँ तो यार इसको लाइट को जला दो भाई, अगर कोई व्यवस्था हो आपके पास ये वाली लाइट। हाँ अरे आहा महापौर जी आपके राज में ये क्या हो रहा है, लाइट तक इतनी। हाँ बात आप लो अच्छा दिखने लगे। अब मुझे लगा कि अब रिस्पांस आएगा कौन कौन बैठा है, हम चीने हम एसपी साहब को डीएम साहब बता दे तो हम ही सस्पेंड हो जाएं। लाइट आ गई तो बहुत अच्छा, अब मेरा मूड बनेगा ऐसा कोई। अच्छा कुछ लोग तनाव में है कि कौन आ गया मूर्ख टाइप का ऐसा चीज, लेकिन मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ, मैं साबित करना चाहता हूँ। देखिए प्रेम करिए जिहाले मिसकी मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबें हिजरा न दारा मैजा न लेहूं काहे लगाए छतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियां, किसे पड़ी है जो जा बतावे प्यारे पी को हमारी बतियां, न नींद रहना न चैना न आ पाए न भेजे पतियां। समझ में आया, यही इश्क है, जो समझ में आ जाता उसे शादी कहते हैं। हाँ अब आगे वाले चेयर को लगा कि यार ये अच्छा सुनाता है, बड़ा पुराना उर्दू सुना रहा है, ये पढ़ा लिखा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, हम सही बताते हैं, हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए, एडमिशन तो अब होता है ना, अब ये क्लास है इतनी बड़ी बड़ा, हमारे जमाने में क्लास होती नहीं थी, हमारे जमाने में क्लास ली जाती थी। हाँ आइए, चारों तरफ से आदमी आ रहा है।
जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कुंवारे हैं। बहुत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, अब ठीक है ना। हाँ अब हम सुनाएंगे। तो हम 5 साल के थे मुरादाबाद वालों, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। ऐसे स्कूल लगा था, ऐसे पिताजी खड़े, ऐसे हम खड़े, हमारे मास्टर साहब बैठे हुए। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है। तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं। हिंदी के बगल में बिंदी लगाई, हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है, उन्होंने बोला ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है। उन्होंने कहा ये श्रृंगार है। हम घर आए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हम टेंशन में आ गए, हम भाभी के पास गए, हमने कहा भाभी ये कौन है। भाभी ने कहा बोला ये भैया है। क्या इज्जत देती है महिलाएं पति को, माथे पे लगाती हैं। मेरा भ्रम शाम को टूटा जब हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है, चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई साहब। इतनी दुर्दशा एक दिन में हम चाचा को कभी नहीं देखते। सवेरे हम माथे पे लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटकाए जाते हैं, और पति परमेश्वर कहा जाता है। इतना बड़ा मूर्ख बनाना दुनिया में कोई, महिलाओं से सीखे पति को मूर्ख बनाना भाई साहब। अध्याय समाप्त हुआ है, जान बचा लो। क्या बात है साहब, आनंद लीजिए, कोई टेंशन। डॉक्टर साहब मुझे अमेरिका ले गए, अमेरिका साहब मेरे समझ में नहीं आए, अंग्रेजी आती नहीं तो क्या समझ में आए। एयरपोर्ट घूमने लगे, इतना घूमे कि प्यास लग गई। हमने डॉक्टर साहब से पूछा डॉक्टर साहब पानी पीना है, बोले अमेरिका है टेक्नोलॉजी का देश है, मैं बताता हूँ कैसे पीना है। इन्होंने कहा ऐसे बटन दबाओ, ऐसे पानी आएगा, पी लेना। सर मैंने बटन दबाया, पानी आया, एयरपोर्ट पे आपने देखा बटन दबाया पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई सर। अमेरिका में 2 मिनट में हम कुत्ता हो गए। हाँ सही बता दो, दूसरे एयरपोर्ट पे गए, हमने कहा यहाँ तो है ही कुत्ता बनना मशीन, दूसरे एयरपोर्ट पे बटन ही नहीं थी। हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, हमने कहा सर यहाँ क्या है, यहाँ तो बटन दे। अरे बेटा अमेरिका है टेक्नोलॉजी का देश है, समझा करना भाई। हमने कहा सर है क्या, बोले बेटा यहाँ पैर से दबा। तीसरे एयरपोर्ट पे गए, ना हाथ से ना पैर से। हमने कहा सर आपने सुना PhD किया है, यहाँ क्या है, बोले बेटा यहाँ ना हाथ का है ना पैर का है, यहाँ सेंसर लगा है, सेंसर तू मुंह आगे कर। हमने मुंह आगे किया, पानी मुंह में आया ही नहीं, सर के ऊपर से निकल गया। प्रैक्टिस नहीं थी ना भाई साहब, कम तालियां बजा रही हैं, आनंद भरपूर ले रहे हैं आप लोग, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। सर आइए, मैं दिनेश बावरा हूँ मैडम, इस मंच का सबसे अच्छा कवि हूँ, मुझे सुन के आप जा सकती हैं। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा मैडम। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट एक किताब उतारना चाह रहे थे, तो उनका हाथ छोटा था, मेरे हाइट के थे वो, हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो उनका नौकर हाइट का लंबा था। उसने कहा सर मैं आपसे ऊँचा हूँ, कहिए तो मैं निकाल दूँ। बोनापार्ट ने डांटा तू ऊंचा नहीं है तू लंबा है, ऊंचा जो होता है वो बुद्धिमान होता है, मैं ऊंचा हूं। तो मंच पर जितने लोग हैं